अभी तक आपने देखा होगा गाड़ियों के अनेकों शौकीन होंगे और पुरानी पुरानी गाड़ियां होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी गाड़ी दिखाएंगे जिसका आजादी से भी पुराना इतिहास है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने गाड़ी है, इस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने में जब 1935 में इस गाड़ी का संचालन मेरठ में किया गया था, और आज भी अगर इस गाड़ी को आप देखेंगे तो बिल्कुल फिट किया हुआ है। जिस तरीके से नई नई गाड़ियां दौड़ती हैं उसी तरीके से ये गाड़ियां दौड़ी हुई हैं। और आप इस गाड़ी की अगर खासियत की बात करेंगे तो चाहे इंजन हो या अन्य प्रकार की चीज़ें, किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है। जैसी ये 1935 में थी उसी तरीके से हमें, तो इस गाड़ी के ऑनर हैं, हमसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार इस गाड़ी को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि छोटी छोटी जो गाड़ियां होती हैं, हम बात करें चाहे 3 या 4 साल में गाड़ी खंडहर में तब्दील हो जाती है, ऐसे में 88 साल पुरानी गाड़ी को किस तरीके से इन्होंने संभाल के रखा हुआ जी। हम देख रहे हैं कि 1935 की इतनी पुरानी गाड़ी हुई है, किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, क्या खासियत है इस गाड़ी की। ये गाड़ी अंग्रेजों के टाइम की है, ब्रिटिश सरकार की है, मेड इन इंग्लैंड की है, 1935 मॉडल है। और मेरा ये हॉबी है, गाड़ियों का मेरा काम भी है और शौक भी है, इसीलिए मैंने इसको मेंटेन कर रखा है। तो हम देख रहे थे बड़ी अच्छी है, तो दौड़ती भी है, नहीं तो इतनी पुरानी गाड़ी को हम कहें तो इंजन भी ख़राब हो जाता है। किस तरीके से मेंटेन किया आपने। नहीं, हर समय सर्विस का समय होता है तो सर्विस कराते हैं, फिटनेस का समय होता है तो फिटनेस कराते हैं, तभी गाड़ी मेंटेन रह पाती है। अभी आपने को ना देख करके अपना शौक पूरा करते हैं। आरटीओ में भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए इसके लिए अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है क्योंकि फिटनेस इसकी हमारी पहले 2014 में हमने मेरठ आरटीओ में कराई थी, अब वो फिटनेस हो गई थी, लॉकडाउन के चलते बजट खराब था इसलिए नहीं करा पाए, अब दोबारा हमने अप्लाई किया है इसका रजिस्ट्रेशन। तो आरटीओ से क्या जवाब दिया, बिल्कुल फिट पाई गई। आरटीओ से फिट पाई गई गाड़ी। अजीत जी देख रहे हैं आज आप गाड़ी का अनुभव ले रहे हैं, 88 साल पुरानी बताई जा रही है, कैसा लगा गाड़ी में घूमकर। बहुत ही अच्छा अनुभव है सर, हमने कभी पिक्चरों में ही ये पुरानी गाड़ियां देखी थी। जो गाड़ी है ये 88 साल पुरानी है, कैसा लगा इस गाड़ी में घूमकर। बहुत अच्छा लगा है। जो थार का मजा है उस गाड़ी में है। नहीं, उससे ज्यादा है। गाड़ी में आप जब घूमे हैं, गाड़ी का कैसा अनुभव रहा। बहुत बढ़िया रहा है, एंटिक गाड़ी है और हम इसे काफ़ी साल से हमारे पास है तो अच्छा लगता है इस गाड़ी। जी बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, ऐसी गाड़ियों को जब री रजिस्ट्रेशन करता है सरकार की, अच्छा प्रयास है क्योंकि अभी ये आदेश आया कि पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सके, तो उसमें हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें ये लगा कि हमारी पुरानी गाड़ी है और फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा।